वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा निमी भी आया है जहाँ पे मेरा बहन ने ये लंबा वाला क्या होते पंखे वो तो नोखे में पंखे ये लेके आया है, तो ड्राई वाला वो बना के खाऊंगी हम लोग। आज कैसे बना के खाते हैं मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाना चाहूंगी। अभी पहले बोल करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, निमी कुछ बोलो, इसको तोड़ के दिखाओ, इतना ताकत है मेरे पास। और सब्जी भी बनाऊंगी ये खाने के लिए, मैंने मेरे स्वीट हार्ट को बुलाया यहाँ पे ये साथ में खाने के लिए। हो गया। और कैसे बनाता है और कैसे प्रोसेस है यहाँ, ये वाला नॉर्थ में ज्यादा खाते हैं, ये कच्चा भी खा सकते हैं सब्जी बना के, इसको इसका स्किन छील के हम लोग धूप में सुखाता है। धूप में सुखाने के बाद उसको आटा जैसा पाउडर भी बना के हम आटा के लिए बना, हाँ आटा के भी बना के खा सकते हैं। थोड़ा सा गम गम जैसा होता है तो हम लोग इसको बॉईल करके खाऊंगी। और उसका इसका साथ हम लोग चटनी बनाऊंगे, तीन का चटनी बनाऊंगी, ब्लैक भी लेके ब्लैक वाला, और सब्जी भी बनाएगा हम लोग। तो अभी स्टार्ट कर रहे बनाने के लिए। यहाँ पे पहले पानी में गर्म थोड़ा बॉईल करेगा, 20 मिनट्स बॉईल करूँगी हम लोग, बॉईल करके फिर इसको पकने का बाद मैं दिखाऊंगी कैसे बनाते प्रोसेस, ठीक है। बने रहे हमारा वीडियो। हम अभी बॉयल होने के लिए अभी स्टार्टिंग हो गया, बॉयल हो रहा है अच्छी तरह से। जहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, वो जो अच्छा से वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद में फिर इसको कुकर में सीटी मारना पड़ेगा थोड़ा सा नमक डाल के, तो अच्छी तरह से पकने के बाद कितना मतलब खाने में बहुत टेस्टी लगता है बॉयल करके खाने से चटनी के साथ। ये है तीन, इसके साथ खाने के लिए चटनी बनाना पड़ता है, ये वाला तीन है। क्या 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 मिक्स करना पड़ा, चिली नमक। मेरा बहन अभी तीन को फ्राई कर रही है, मेरे को तो नहीं मालूम कैसे करेंगे, आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इतना करना है जलाएगी चिली, पहले चिली फ्राई कर रही है। इसका बाद क्या करना है, पूरा बॉयल हो गया, इसको फिर पानी में तीन को फ्राई करेंगे अच्छे से पकने तक, फ्राई करेंगे। हमारे बच्चे ने पराठा भी बनाया, बहुत सुंदर बनाया है, खाया तो और भी टेस्टी लगता है। देखो ये किसे बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा बहन से, क्या करो। यहाँ सब्जी भी बन गया है, अभी सिर्फ खाने का है। अभी एक हो हमारा सब्जी आलू एंड टमाटर वगैरह मिक्स करके बनाया है, बना लिया। करो ये है पंखे, वाओ ये पक गया अभी, इसका चटनी भी इधर है, चटनी लेके आ गई, चटनी भी है। ये सब्जी सब्जी भी बना ले, सब्जी के साथ खा गई। पंखे खाते कि नहीं, यहाँ पे जरा तेज है, वाओ टेस्टी, जरा तेज होगा। अभी हम खाने के लिए पूरा रेडी हो गया। ये है तीन वाला चटनी, आलू का फ्राई, आलू और बीन्स का फ्राई। देखने में इतना मतलब सुंदर नहीं है फिर, लेकिन खाने में बहुत मजा है। आज का हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का रेसिपी कुक कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग तो कभी ट्राई नहीं किया होगा तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी है ये वाला। ओके गाइस, आज का कुकिंग ब्लॉग इतना में समाप्त करती हूँ, और हम आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, टेस्टी लगा नहीं लगा। सब्सक्राइब एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर मिलेंगे।